अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स 3.8। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना वक्त चाहिए टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ये हमारा न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन कह क्या रहा, हाउ मच टाइम फाइंड करना, टी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ वो है, ये चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम। तो ये वाला उसने मोमेंटम में दिया हुआ है चेंज इन मोमेंटम डेल पी, पी से मोमेंटम होता है, यहां पे चेंज इन मोमेंटम है। तो डेल पी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 22, ये डेल पी है। और फिर बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स भी दे दी एफ, ये 20 न्यूटन फोर्स है, एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन। मोमेंटम भी दिया हुआ, फोर्स भी दी हुई, चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ साथ फोर्स दी हुई, टाइम फाइंड करना। एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि मोमेंटम और फोर्स का आपस में जो रिलेशन था वो था एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी, यानी चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम इज कॉल्ड अ फोर्स। ये फोर्स होती है, फार्मूले को यूज़ किया, जो रिलेशन पढ़ा था रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, उसमें यह प्रूव किया था कि फोर्स इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी, एफ इज इक्वल टू डेल पी चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल है 22 ओवर टी। टाइम दिया हुआ ही नहीं, पता ही नहीं, ये वैसे ही आ गया। एफ फोर्स, क्या फोर्स दी है, यस, फोर्स किसके इक्वल है 20 न्यूटन, यानी फोर्स की जगह पे ये 20 न्यूटन आ जाएगा 20। फाइंड टाइम करना, टाइम इधर डिवाइड कर रहा उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 20 मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू 22, ये 20 इधर टी से मल्टीप्लाई हो रहा टाइम से उधर जाके टाइम पे, ये 22 ओवर 20, ये 20 इधर टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके 22 को डिवाइड करेगा, टी इज इक्वल टू 22 ओवर 20, 22 ओवर 20, आंसर आया 1.1। टाइम टी इज इक्वल टू 1.1 और इसके यूनिट क्या होते हैं सेकंड टाइम के, तो आंसर आ गया 1.1 सेकंड। बुक से कंपेयर कर लेता हूँ, 3.8 न्यूमेरिकल का आंसर 1.1 सेकंड, बिल्कुल करेक्ट है आंसर 1.1 सेकंड। ये न्यूमेरिकल 3.8 था। अब नेक्स्ट करते हैं 3.9। इसमें दिया हुआ क्या था, चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ 22 और साथ फोर्स दी हुई है 20 न्यूटन। फाइंड क्या करना, टाइम फाइंड करना, हमने रिलेशन यूज़ किया फोर्स और मोमेंटम का, प्रूव इसका किया था, ये इक्वल था एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी, फोर्स एफ कितनी है 20 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम 22 ओवर टी, टाइम तो फाइंड करना था, टी एज इट इज आ गया, टी इधर डिवाइड कर रहा उधर जाके 20 से मल्टीप्लाई होगा, अब 20 इधर टी से मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड करेगा 22 ओवर 20, 22 को अंदर रखा 20 पर डिवाइड किया, आंसर आ गया 1.1 और ये बिल्कुल करेक्ट है। हो मच आगे 3.9, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन a wooden block of mass
ब्लॉक ऑफ मैस, एक वुडन ब्लॉक है जिसका मैस 5 किलोग्राम है, एंड हॉरिजॉन्टल, एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन वुड एंड मार्बल, बिटवीन वुड एंड मार्बल इज 0.6 सॉल्यूशन फाइंड करना है इसको. हो मच इज द फोर्स, यानी फोर्स फाइंड करनी है ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करेंगे, एफ एस कह लें, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस, एक वुडन ब्लॉक था जिसका मैस 5 किलोग्राम है, यानी एम वो है 5 किलोग्राम, मैस ऑफ अ वुडन ब्लॉक दिया हुआ ये रहा 5 किलोग्राम, तो ये मैस लिख लिया. द ऑन द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, वो हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर पे पड़ा था. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड मार्बल इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस, ये दिया हुआ 0.6, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दी हुई और मैस भी दिया हुआ उस ऑब्जेक्ट का जो कि बॉक्स है. फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है हमने, एफ एस फाइंड करना फ्रिक्शनल फोर्स, मैस भी दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ. अब एज वी नो दैट एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर, ये इसके इक्वल होता है, जो फ्रिक्शन का फार्मूला प्रूव किया था हमने, एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर के इक्वल था, ये फार्मूला है एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर. अब म्यू एज इट इज आ गया, एफ एस बी आर, आर आर होता है नॉर्मल रिएक्शन, एक बॉडी है बॉक्स है यहाँ पे पड़ा है, इसका वेट डाउनवर्ड होता है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, ये आर है ये डब्ल्यू है. अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफस पे पड़ा हो तो उस वक्त डब्ल्यू इक्वल होता है आर के, यानी आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, कब, जब ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल सरफस पे पड़ा हो. तो यहाँ पे वो कह नहीं रहा हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इसका मतलब जब उसने कह दिया कि हॉरिजॉन्टल सरफस पे पड़ा है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल जाना चाहिए कि आर इज इक्वल टू डब्ल्यू. यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है ये वेट फोर्स के इक्वल है, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, यानी यहाँ से आर की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एम जी. अब एफ एस इज इक्वल टू म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6, एम मैस 5, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एफ एस इज इक्वल टू, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 30 आंसर आ गया. 30 फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक फोर्स ही है, तो इसके यूनिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के यूनिट भी न्यूटन होंगे, तो आंसर आया 30 न्यूटन. अब मैं कंपेयर कर लूँ, 30 न्यूटन बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर. यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था हॉरिजॉन्टल सरफस पे है, तो हॉरिजॉन्टल सरफस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेट के इक्वल होती है, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू वेट इज इक्वल टू एम जी, तो आर की जगह पे एम जी पुट कर सकते हैं, आर की जगह पे ये मैंने एम जी पुट कर दिया. अब म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ था, एम मैस 5, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, इनको मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया.
लास्ट न्यूमेरिकल 3.10, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी, टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम टू मूव इन अ सर्कल, टू मूव इन अ सर्कल, एक सर्कल में मूव करना है ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड स्पीड 3 meter per second, जिसकी स्पीड 3 meter per second है। सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, इज नीडेड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास, के एक बॉडी है जिसका मास 5.5 किलोग्राम है, मास 0.5 किलोग्राम, जिसका मास 0.5 किलोग्राम है उसको मूव करवाना है, टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस आर, जिस सर्कल में हमने इस बॉडी को मूव करवाना है उसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 50 ओवर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अब मीटर बड़ी क्वांटिटी है, सेंटीमीटर छोटी क्वांटिटी है, जब छोटी से बड़ी में जाएं तो डिवाइड करते हैं, इसलिए मैंने 100 में डिवाइड करवाया, 1 meter इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मीटर बड़ी क्वांटिटी है, सेंटीमीटर छोटी क्वांटिटी, जब सेंटीमीटर से मीटर में जाएं तब डिवाइड करते हैं, इसलिए मैंने डिवाइड किया, किस पर डिवाइड करना, 100 पर डिवाइड करना, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 1/2, इसका जब आंसर लेंगे 0.5 आंसर हो जाएगा, 1/2, ठीक है, रेडियस भी आ गया, मास भी है, विद द स्पीड 3 meter per second, वेलोसिटी भी दी हुई, v इज इक्वल टू 3 meter per second, फाइंड क्या करना, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी, एज वी नो दैट द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर, एम वी स्केयर ओवर आर, ये फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, अब एफ सी इज इक्वल टू एम मैस 0.5, v वेलोसिटी 3, v का स्केयर है तो 3 का भी स्केयर आ जाएगा, ओवर r रेडियस, r रेडियस 0.5 के इक्वल आया था, r इज इक्वल टू 0.5 meter, तो r की जगह पे 0.5 आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी, अब 0.5 है, ये भी 0.5 है, 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, 3 का जब स्केयर लिया 9 आ गया, और सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसके यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होता, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 9 न्यूटन, बुक से कंपेयर करूँ तो 9 न्यूटन बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर, ये आज हमने न्यूमेरिकल ख़त्म कर लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये था हमारा आज का टॉपिक, अल्लाह हाफिज़।